Zenith Commerce Academy is one of the most renowned coaching institute of Bihar ever since its inspection on 22 September 2001. Imparting education has been more than 40,000 of students successful over the last 18 years is the founder director of JETCA. वित्त मंत्री के अनुसार 2019 की 20 प्रमुख बजट पेट्रोल डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है, साथ ही सड़क संरचना उपकर के रूप में 1 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सोना चांदी के आयात पर 2% कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। पेट्रोल और डीजल होंगे महंगे, सरकार ने लगाया 1 रुपए का सेस। इलेक्ट्रिक विदेशी किताबें होंगी महंगी, सरकार ने लगाई कस्टम ड्यूटी। व्हीकल के कुछ पार्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी समाप्त कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरे, विदेशी टाइल्स और पीवीसी पाइप होंगी महंगी। 2 से 7 करोड़ की आय वाले लोगों को देना होगा ज्यादा टैक्स, अमीरों को देना होगा अधिक टैक्स। 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। 50 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों को ग्राहक को डिजिटल माध्यम देना होगा। बैंक अकाउंट से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा निकालने पर 2% डीटीएस देना होगा। आईडी रिटर्न के लिए पैन या आधार दोनों काम कर सकते हैं। आधार कार्ड धारक को पैन कार्ड की जरूरत नहीं है। 5 लाख तक का घर खरीदने के लिए 15 साल के लोन पर आम लोगों को 3.5 लाख रुपए की बचत होगी। स्टार्टअप के लिए घर को बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को छूट की सीमा 2031 तक बढ़ा दी गई है। स्टार्टअप द्वारा जुटाई गई नीतियों को लेकर आयकर विभाग द्वारा कोई जांच नहीं की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट मिलेगी। भारत को दुनिया का इलेक्ट्रिक व्हीकल हब बनाया गया है। अब 25% कर दायर के 99.3 कंपनियों इस दायरे में शामिल होंगी। 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के नए सिक्के आएंगे।